सीधी से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के बाहरी स्थित घर पर पहुंची राजस्व अमले की टीम आरोपी के घर पर चल सकता है बुलडोजर खबर अब विस्तार से सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला को आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में मंगलवार को रात करीब दो बजे गिरफ्तार कर लिया गया है मंगलवार को प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक मानसिक रूप से विक्षित आदिवासी युवक पर पेशाब करते नजर आ रहे थे वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और एनएस लगाने की भी बात कही थी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आज बुधवार को सीधी पेशाब कांड पर कहा कि कृत्य बहुत घृणित है और निंदनीय था कानून अपना काम कर रहा है यह भाजपा की सरकार है यहां कानून का राज है घटना सामने आने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी के कहने पर एन की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर दी गई है उसे रात में गिरफ्तार कर लिया गया था अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा सीधी से हमारे संवाददाता आज बेहद शर्मनाक वाक्य सबके सामने दिखा है जिसमें एक भाजपा का नेता प्रवेश शुक्ला जो कि भाजपा के विधायक का विधायक प्रतिनिधि है वो एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं ये कितने भी आदिवासी हितेशी बने पर हकीकत में ये सब आदिवासी विरोधी हैं मनुवादी सोच के लोग हैं और यही कारण है कि इनके लोग लगातार आदिवासियों पर अत्याचार होने में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो इन भाजपा नेताओं का आता है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार होने में नंबर वन हो गया है क्योंकि ये अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ आदिवासियों को चप्पल पहनाने से और हेलीकॉप्टर में घुमाने से परिवर्तन नहीं आएगा आप अपनी सोच बदलो भाजपा के लोगों की सोच बदलो और इस पूरे वाक्य पर इस पूरे कृत्य पर पूरी भाजपा को सबसे आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए और भाजपा को शर्म आना चाहिए